पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में से चार में भाजपा ने एक बार फिर परचम लहराया है, जबकि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस की हार पर नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जनादेश है, उसे स्वीकार करना चाहिए, लेकिन हिमाचल में बीजेपी के नेता सीएम ज्यादा खुशी ना मनाए, उनकी यह खुशी बस टेम्परेरी है। कांग्रेस मजबूत रणनीति तैयार करेगी और भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। देखिए, जनादेश है और उसको सबको स्वीकार करना है, लेकिन जहाँ तक हिमाचल प्रदेश का सवाल है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नेता, विशेष तौर पे मुख्यमंत्री, उनकी ये खुशी जो है ये टेम्परेरी है। जो आज वो दिखा रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ेगी और आने वाले समय में पार्टी को सुदृढ़ करके ठीक उसी तरह जो है भाजपा को मात दी जाएगी जैसा अभी चार बाई इलेक्शन में हुआ था। तो इसलिए बाहर के राज्यों में क्या हुआ उनसे बहुत खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ठीक है, जो लोग जीते हैं उनको बधाई, जिनके हक में जनादेश आया है उसको स्वीकार करना है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो इस साल के अंत में चुनाव आने हैं, प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को भी अपने स्थिति का एहसास है और लगातार प्रदेश में इतने मुद्दे खड़े हो गए हैं इस सरकार के खिलाफ, इस सरकार की, वो सारे मसले जब सामने आएंगे आने वाले समय में जब चुनाव शुरू होगा, तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी स्थिति का एहसास हो जाएगा। सर, जो दूसरे राज्यों में क्या हुआ उससे ठीक है, किसी पार्टी विशेष को फायदा हुआ होगा, लेकिन जहाँ तक हम तो अपनी स्टेट की बात करते हैं, हम अपनी स्टेट में लड़ाई पूरी ताकत से लड़ेंगे, पूरे संगठित होके लड़ेंगे, और जो आने वाला समय है उसमें पूरी स्ट्रेंथ के साथ अपने काडर को मजबूत करेंगे और एक जबरदस्त चुनौती जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दी जाएगी। और हमें मालूम है कि आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं वो बढ़ेंगी, और लेकिन उनसे कैसे पार पाना है और कैसे कांग्रेस की सरकार स्थापित करनी है हिमाचल प्रदेश में, देखते हैं कि ठीक है, हमारे पड़ोस में बहुत बड़े बहुमत से आम आदमी पार्टी का प्रवेश हुआ है, और लेकिन उत्तराखंड में नहीं भी हुआ है, तो हिमाचल प्रदेश में अब तक सीधी लड़ाई जो है भाजपा और कांग्रेस में होती रही है। आने वाले समय में क्या परिस्थितियां बनती हैं उस पर कड़ी नज़र रहेगी, लेकिन हम कतई भी हताश नहीं हैं। हम ठीक है, नतीजे जो है दूसरे राज्यों के कांग्रेस के हक में नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे लड़ाई लड़ने के लिए जो भी संभव होगा वो किया जाएगा। नहीं, देखिए, हर, मैंने जैसे कहा कि हर चुनाव एक नई चुनौती होता है, और जो अगला चुनाव होगा वो भी हर पार्टी के लिए जो है चुनौती रहेगा, इसमें तो कोई बात नहीं, लेकिन हम अपनी रणनीति तैयार करेंगे, हम अपना चिंतन करेंगे, हमें क्या किस ढंग से अपने कार्यकर्ता का मनोबल कायम रखना है, कैसे उसको उठाना है, वो सब रणनीति के हिस्से हैं। आने वाले समय में जब इस बारे में चिंतन होगा, मनन होगा कि किस ढंग से हमने आगे बढ़ना है, तो पार्टी उसके बारे में फैसला करेगी, लेकिन मैं स्पष्ट तौर पे ये जरूर कहना चाहता हूँ कि दूसरे राज्यों में जो है हार हुई है, तो उससे आप ये कहें कि हमारी जो है
लड़ाई लड़ने की एक क्षमता कम हो जाएगी या हम जो है उस फोर्स से चुनाव को नहीं लड़ेंगे, हम पूरी ताकत से जो जो यथाशक्ति जिस पेस से हम लड़ते आ रहे हैं, जिस तरह जिन हम लड़ रहे हैं वो हम कायम रखेंगे उसमें। बाकी जो है हमें मालूम है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है, पड़ोस में आम आदमी की सरकार बनी है, ये सारे पहलू जो है ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। लेकिन आज के दिन में मुझे सिर्फ ये कहना है, ठीक है, जनादेश है वो स्वीकार्य है, जो अन्य राज्यों में आए हैं ये तो जनता का फैसला है, उसको स्वीकार करना है। और हमें क्या करना है ये सिर्फ आप उन राज्यों से जोड़ के मत देखें, हम अपने राज्य में रणनीति बनाएंगे और पूरी ताकत से जो है भाजपा सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकने के लिए जो भी संभव होगा करेंगे। उज्जवल हिमाचल के लिए ब्यूरो शिमला, भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।